तीन कृषि कानून के खिलाफ आज सुपौल शहर के लोहिया चौक पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर विरोध जताया। दरअसल कृषि बिल कानून के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क जाम पर नारेबाजी की, वहीं सड़क जाम से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गई। इस मौके पर राजद कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी और प्रदर्शन किया। बीएनपी न्यूज के लिए सुपौल से संवाददाता अमरेश कुमार की रिपोर्ट। ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार ने जिस तरह से किसानों के खिलाफ काला कानून पास करवा लिया है और प्रजातंत्र को मुट्ठी में ले लिया है, तो ये लगभग 60-62 करोड़ किसान जो है आज दर दर भटक रहे हैं और दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। ये जो कृषि कानून पास करवा लिए हैं मनमानी पूर्वक, ये उस किसान के खिलाफ है जिसने भारत के अर्थव्यवस्था को थाम रखा है। और एक तरफ मोदी सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी सारे सार्वजनिक संपत्तियों को बेच रहे हैं, दूसरे तरफ जो है सो किसानों का आय के साधन को छीन करके और कॉरपोरेटों को मजबूत करने जा रहे हैं। इसी काले कृषि कानून के खिलाफ में आज पूरे भारत बंद के तहत लोहिया चौक सुपौल में आज हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं और कृषि कानून के समर्थन में इनकलाब जिंदा बात कर रहे हैं। आज भारत बंद का जो है ऐलान है किसान के समर्थन में, हम लोग किसान के समर्थन में और दूसरा बंद का आह्वान किया गया था उसके समर्थन में आज हम लोग रोज उतरे हुए हैं। जब तक किसान जो है ये तीनों कृषि कानून जो लाया गया है काला कानून जब तक वापस नहीं ले लेता है सरकार, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। क्योंकि किसान जो है भारत की रीढ़ होती है और किसान जब खुशहाल होगा फिर जाके देश खुशहाल हो सकता है। इसीलिए जब तक किसान के समर्थन में ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले लेता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा।